जी हाँ दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th आर हो, जिसका चैप्टर नंबर 17 है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है शिरीष के फूल। इसका पहला नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत या सन्यासी की तरह क्यों माना है? यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं क्योंकि सन्यासी की भांति वह भी सुख दुख की चिंता नहीं करता। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन के अजय मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही है होती है, तब भी वह कोमल फूलों से लदा लहराता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू इसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला और हरा भरा रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजय जीविता के साथ निष्प्रभ भाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है। मानो अपनी दृढ़ता इच्छा शक्ति के कारण मृत्यु और समय को भी पराजित करने का साहस रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कवि ने स्पष्ट किया है, मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए और कठोर निर्णय ले सकें। जिस प्रकार शिरीष का वृक्ष अपनी समरसता या सरसता को बचाने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है ताकि वह भीषण गर्मी लू को सहन कर पाए, इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर और सख्त होता है ताकि उसे उसकी सरसता भीतर सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन परिस्थितियों में अविचल रहकर जी जी विशु बने रहने की सीख क्यों दी है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी शिरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू इसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई परिस्थितियाँ क्यों न उत्पन्न हो जाए, पर मनुष्य को शांत भाव से उस पर जीत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। उसे चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, लूटपाट और खून खच्चर के बीच में भी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु स्थिर और शांत भाव से मंजिल पर पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील रहने तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ निहरप भाव से रहने की सीख देती है और सामना करने का साहस देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाय वह अब धूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देहबल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? इसका आंसर बताया कवि लेखक ने, अवधूत सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठा व्यक्ति होता है जो आत्मबल का प्रतीक होता है, परंतु आज मानव आत्मबल की बजाय देहबल, धन बल आदि जुटाने में लगे हैं। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो चला है। आज मनुष्य मानवीय मूल्यों को त्याग कर हिंसा, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, घुसखोरी आदि गलत प्रवृत्तियों को अपनाकर अपनी ताकत एवं क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। अनासक्त योगियों के अभाव में ऐसी स्थिति किसी भी सभ्यता के लिए संकट के समान है, जहाँ मानवता ध्वस्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विधत्त प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका सही आंसर है, लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ही ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है, क्योंकि लेखक के अनुसार वही महान कवि बन सकता है जो अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ तथा विघ्न प्रेमी की तरह सहृदय हो। छंद तो कोई भी लिख सकता है, परंतु उसका अर्थ नहीं कर सकता। कवि में वज्र जैसा कठोरता और पुष्प की तरह कोमलता दोनों गुणों की अपेक्षा की गई है। लेखक ने कबीर, सूर, तुलसी, कालिदास आदि को इसलिए महान माना है क्योंकि इनमें अनासक्ति का भाव तो था, साथ ही उन्होंने मर्यादा का भी पालन करने के साथ मधुरता का भी संचार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसके अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदली रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है,
मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, जो मनुष्य सुख दुख निराशा आशा आदि स्थिति में अनासक्त भाव से रहकर अपना जीवन यापन करता है, वही प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। वह शिरीष की तरह ही दीर्घजीवी होता है। शिरीष का वृक्ष और गांधी ये दोनों अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने जड़ होने होकर भी नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हीं भीषण और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर उन्होंने न केवल अपने जीवन में सरसता उत्पन्न की है, दूसरों के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति का भी उदाहरण स्पष्ट किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ पंक्तियाँ दी जाएगी, उसका हमको आशय स्पष्ट करना है। जैसे यहाँ पर पहला नंबर पैराग्राफ में दिया है, दूरन प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्री का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आग बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कीड़े की मार से बच भी सकते हैं, जमे की मरे। तो इसका आंसर है, इन पंक्तियों का आशय व्यक्ति के जीवन जीने की कला से है। लेखक के अनुसार दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्री के मध्य संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जो बुद्धिमान है वे इसके संघर्ष कर अपना जीवन यापन करते हैं। मूर्ख व्यक्ति यह समझते हैं कि वे जहाँ हैं वह डटे रहने से काल देवता की नज़र से बच जाएंगे। वे भोले होते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता कि जड़ता मृत्यु के समान है और गतिशीलता में ही जीवन छिपा है। जो हिलता डुलता है वह स्थान बदलता है, वही जीवन की प्रगति के साथ साथ मृत्यु या असफलता से भी बचा रहता है, क्योंकि गतिशीलता ही जीवन है और आगे बढ़ने से ही सफलता की प्राप्ति होती है और सफलता का स्वाद वह चखता है। नेक्स्ट पंक्ति है, जो कभी अनाशक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए पर का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। इसका आशय बताया कवि ने, इन पंक्तियों का आशय सच्चा कवि बनने से है। लेखक के अनुसार यदि श्रेष्ठ कवि बनता है तो अनाशक्त और फक्कड़ बनना होगा। अनाशक्ति भाव से व्यक्ति तटस्थ रहकर आत्मनिरीक्षण कर पाता है और फक्कड़ स्वभाव का होने से वह सांसारिक आकर्षण से दूर रहता है। यदि वह अपने कार्यों का लेखा जोखा हानि लाभ आदि मिलाने में उलझ जाएगा तो वह कवि नहीं बन पाएगा। कवि बनने के लिए फक्कड़ और अलमस्त वे प्रभाव स्वभाव का होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी वे अंगली है, वह इशारा है। इससे पंक्ति का आशय है, इस पंक्ति का आशय सुंदरता और सृजन की सीमा से है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि फल पेड़ और फूल इनका अपना अपना अस्तित्व होता है, ये यूं ही समाप्त नहीं होते। ये संकेत देते हैं जीवन में अभी बहुत कुछ शेष है, अभी भी सृजन की अपार संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई है? इसका आंसर है, ज्येष्ठ माह में प्रचंड गर्मी पड़ती है, लू के भयंकर थपेड़े चलते हैं और फिर भी ऐसी गर्मी में शिरीष के फूल खिले रहते हैं। ऐसी गर्मी में तो इन कोमल फूलों को मुरझा जाना चाहिए, किंतु ये खिले रहते हैं और यह तभी संभव है जब पुष्प इतने ठंडे हो कि आग भी उन्हें छूकर ठंडी हो जाए। इस गुण के आधार पर उन्हें शीत पुष्प की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? गांधी जी ने जन सामान्य की पीड़ा से द्रवित होकर देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया, जो उनके कोमल स्वभाव का परिचायक था। वहीं अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ वज्र की भांति तनकर खड़े हुआ, यह उसका कठोरता का प्रतीक। एक ओर गांधी जी के मन में सत्य अहिंसा जैसे कोमल भाव थे, दूसरी ओर अनुशासन के मामले में बड़े ही कठोर थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं।